हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेंगे फूडी। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक अंडे का फंडा नाम की एक सीरीज़ बना रहे हम लोग एग रेसिपीज़ की, जिसमें 3 से 4 एग रेसिपीज़ होंगी, बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि 3 से 4 रेसिपीज़ एक साथ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अंडे का फंडा नाम की सीरीज़ है हम लोग की है, तो उसमें की सबसे पहली रेसिपी है अंडा चिंगारी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और काफ़ी डिफरेंट और यूनिक टाइप है। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हम लोग देखते हैं। ये 3 अंडे है, बॉइल्ड एग है, इस तरह से पीस करके लिए है। ये 3 चम्मच टोमेटो केचप है, 1 बड़ा टोमेटो है बारीक चॉप करके लिया है, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है फाइनली चॉप किए है, फ्रेश हरा धनिया, 2 अंडे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वादानुसार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं अंडा चिंगारी की। यहाँ पे हम लोगों ने गैस पे कढ़ाई रखी है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी हम लोग इसमें चॉप्ड किया हुआ प्याज डालेंगे। दो प्याज है मीडियम साइज़ के चॉप किए हैं और 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सब अच्छे से सौते करेंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरह से सौते कर लिया है हम लोगों ने। अभी हम लोग इसमें चॉप्ड टोमेटो डालेंगे, बारीक कटा हुआ टोमेटो। और इसे भी प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छी तरह से सौते करेंगे। अभी हम लोग इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, और सब अच्छी तरह से सौते करेंगे। नमक डालेंगे स्वादानुसार। देखिए प्याज, टोमेटो, जिंजर गार्लिक और सारे मसालों को हम लोगों ने अच्छी तरह से सौते किया है और सौते करके एक साइड में ले लिया है कढ़ाई में, क्योंकि अब ये जो एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पे हम लोग 2 अंडे स्क्रम्बल करेंगे, फोड़ के डालेंगे 2 अंडे। ये दूसरा भी अंडा डाला है और इसे अच्छी तरह से स्क्रम्बल करेंगे साइड में। अभी इस सारे मसालों के साथ
स्क्रम्बल्ड एग को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से चलाते रहना है कंटिन्यू, नहीं तो जो स्क्रम्बल्ड एग है वो बहुत बड़े बड़े गुठले जैसे हो जाते हैं। इसके लिए ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी हम लोग इसमें 3 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, जिससे कि एक बहुत ही बढ़िया टैंगीनेस आएगा, मस्त चटपटा लगेगा खाने में। अच्छी तरह से मिलाएंगे सब। अब हम लोग इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा, एक आधा ग्लास पानी डाला है। एक बार अच्छे से चलाएंगे। काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है अभी। और इस पर ढक्कन रखेंगे। अभी 5 मिनट इसे ढक्कन रख के पकने देंगे, अच्छी तरह से कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, अभी हम लोग ये ऊपर का ढक्कन निकालते। देखिए एकदम बढ़िया सी अंडा चिंगारी रेडी है, देख सकते हैं अच्छा कलर आया हुआ है, मस्त बढ़िया सा। तो अभी हम लोग इसमें जो बॉइल्ड एग है वो डालेंगे। अभी और इस मसाले के साथ बॉइल्ड एग को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऊपर से और टेस्ट बढ़ाने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से एक बार चलाएंगे फाइनली। और ये हमारी बहुत ही बढ़िया टेस्टी अंडा चिंगारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी इसको हम लोग पाव के साथ खाएंगे, तो पाव फ्राई करके खाएंगे तवे पे बटर डाल के, तो उसकी तैयारी करते हैं। देखिए अंडा चिंगारी रेडी है हमारी, तो अभी उसके साथ पाव के साथ खाएंगे, तो पाव को हम लोग मस्त फ्राई करेंगे तवे में। तो तवा रख दिया है, गर्म भी हो गया है। इसमें हम लोग बटर डालेंगे। और पाव को मस्त इस पर फ्राई करेंगे बटर पे। दोनों साइड से बीच में से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जैसे कि पाव भाजी के साथ पाव फ्राई करके खाते तवे में, वैसे ही करेंगे एकदम बढ़िया। ठीक है, अच्छी तरह से तवे में पाव को फ्राई करेंगे बटर में, ताकि खाने में बढ़िया मज़ा आए, जैसे कि पाव भाजी के साथ खाते हैं हम लोग। देखिए एकदम बढ़िया स्ट्रीट स्टाइल एकदम टेस्टी अंडा चिंगारी हम लोगों ने सर्व कर दिए प्लेट में, खाने के लिए बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं इसे पाव के साथ एंजॉय करेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं, देखते ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो इसी तरह से आप भी घर पे ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान रेसिपी है और उतनी ही टेस्टी भी है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो पे आप बने रहिए, नेक्स्ट रेसिपी कंटिन्यू में रहेगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी दिखाते हैं आपको। हेलो एंड वेलकम अगेन, अंडे का फंडा सीरीज़ में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे जो कि है ऑमलेट पिज़्ज़ा। ये भी काफ़ी टेस्टी होती है खाने में और एक यूनिक टाइप रेसिपी है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देखते हैं हम लोग। प्याज इस तरह से चॉप करके लिया है, शिमला मिर्च चॉप करके लिया है इस तरह से, टोमेटो भी चॉप करके लिया है। मिक्स हर्ब्स यूज़ करेंगे, मार्केट में मिल जाएंगे आपको आसानी से। चीज़ क्यूब्स लगेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, चॉप्ड ग्रीन चिली, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया हरा बारीक कटा हुआ, अंडे, बटर, ब्रेड स्लाइसेस, टोमेटो केचप और नमक स्वादानुसार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ऑमलेट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो ब्रेड स्लाइसेस है उन्हें बटर लगा के लेंगे एक साइड से। इस तरह से चारों स्लाइस पे बटर लगा के लेंगे। तो सभी जगह पे बटर स्प्रेड करना है क्योंकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। एक ही साइड में लगाना है। देखिए सभी जगह पे अच्छी तरह से बटर लगा लिया है हम लोगों ने, एक ही साइड में लगाना है। अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी हम ऑमलेट की तैयारी करते हैं। तो 3 अंडे फोड़ के डालेंगे बाउल में। अब इसमें आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और एक बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वादानुसार डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट के लेंगे ऑमलेट बनाने के लिए। देखिए अंडा फेट के रेडी है ऑमलेट के लिए। और यहाँ पे गैस पे तवा रखा है और तेल भी सभी जगह पे स्प्रेड करके लिया है तवे में। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी हम लोग इसमें फेटा हुआ अंडा डालेंगे ऑमलेट बनाने के लिए। सभी जगह पे अंडे को फैला लेंगे इस तरह से। का स्लाइस रख देंगे ऊपर से। जो बटर लगाया हुआ साइट है वो ऊपर आना चाहिए हमारा, और जो बिना बटर का साइट है वो नीचे जाएगा अंडे पे। देखिए बटर लगाया हुआ साइट ऊपर रखा है क्योंकि ये जब भी फ्लिप करेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। इस तरह से सेटिंग करनी है। और जब ये नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा ऑमलेट तो हम लोग इसे फ्लिप करेंगे।
देखिए ऑमलेट रेडी हो गया है, ब्रेड भी अच्छी तरह से स्टिक हो गया है ऑमलेट पे, तो फ्लिप करके लिया हम लोगों ने, पलटी किया है। अभी ब्रेड की साइड नीचे गई है और ब्रेड में बटर लगा हुआ है तो नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ब्रेड। और ये ऊपर जो ऑमलेट है उस पर हम लोग अभी टोमेटो केचप लगाएंगे पहले। टोमेटो केचप लगा दिया है, अभी सब जगह पे स्प्रेड करना है, पिज्ज़ा में जैसे स्प्रेड होता है सभी पिज्ज़ा पे उस हिसाब से। इस तरह से पूरे ऑमलेट पे केचप स्प्रेड कर देना है। अभी हम लोग इस पे बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे जैसे कि पिज्ज़ा में होता है। सभी जगह पे प्याज डाल देंगे। उसके बाद शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, जैसे कि पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स रहते हैं ऊपर उसी हिसाब से सभी जगह पे रख देना है। उसके बाद टोमेटो बारीक कटा हुआ टोमेटो डालेंगे, वो भी सभी जगह पे रख देंगे पूरे ऑमलेट पे। और उसके बाद चीज़ क्यूब्स क्रश करके डालेंगे हम लोग इस पर, चीज़ क्यूब क्रेट करके डालना है इस तरह से। और एक चीज़ क्यूब डालेंगे इस तरह से क्रेट करके पूरे ऑमलेट पे पिज़्ज़ा की तरह। गैस की फ्लेम लो रखनी है ताकि नीचे जो हमारे ब्रेड है बटर लगाए हुए ज़्यादा क्रिस्पी ना हो जाए एकदम ही। ये सभी जगह पे हम लोगों ने ग्रेट करके डाल दिया है चीज़, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बना है, देख सकते हैं आप। ऑमलेट पिज़्ज़ा जो नाम है इसका उसी हिसाब से हम लोगों ने ऑमलेट भी है और पिज़्ज़ा का रूप भी दिया है इसे। देखिए सभी जगह पे चीज़ ग्रेट करके डाल दिया है। अभी इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स डालेंगे जो कि जो एकदम बढ़िया होते हैं खाने में और टेस्ट भी उतना ही रहता है, खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आ रही है मिक्स हर्ब्स की, तो खाने में भी उतना ही मज़ा देगा ये। देखिए बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह हम लोगों ने इसे रेडी कर दिया है। और अभी हम लोग इस पर ढक्कन रख देंगे ताकि ये जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
देखिए 4 से 5 मिनट हो गए, अभी हम लोग ढक्कन निकाल के देखते हैं, नहीं तो ब्रेड के नीचे जल जाएंगे। देखिए अच्छी तरह से यह हमारा जो ऑमलेट पिज्ज़ा है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह है, और उसमें एक ऑमलेट का भी मज़ा आएगा, और नीचे ब्रेड भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए रहेंगे। अभी गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं खाने के लिए। देखिए हमारा ऑमलेट पिज्ज़ा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, आप ऊपर से भी देख सकते हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है चीज़, और ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है क्योंकि नीचे ब्रेड जले ना, वो ध्यान रखना है। एक पीस कट करके देखते हैं, और मिक्सअप की एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए क्या बढ़िया ऑमलेट पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए अच्छी तरह से ब्रेड भी नीचे से क्रिस्पी हो चुका है, और ऊपर से सारे टॉपिंग्स भी और चीज़ भी मेल्ट हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा हम लोगों ने घर पे बनाया है, ऑमलेट पिज़्ज़ा एक डिफरेंट स्टाइल है ये, तो आप भी घर पे ज़रूर बनाइए, खाने में एक अलग ही मज़ा आएगा और समथिंग डिफरेंट भी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू टैंगी फूडी। आपने अंडा चिंगारी और ऑमलेट पिज्ज़ा तो देखा ही होगा, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए तीसरी रेसिपी बनाएंगे जो कि अंडा पकोड़ा है। अपने पकोड़े में प्याज के, आलू के और कई सारे पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो अंडा पकोड़ा है, तो ये भी उतना ही टेस्टी होता है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं देखते हैं हम लोग। ये अंडे उबाल के लिए है, बेसन, नमक स्वादानुसार, थोड़ा तेल बैटर बनाने के लिए, और तलने के लिए भी तेल लगेगा तो वो डायरेक्ट कढ़ाई में ही लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, चावल का आटा है क्रिस्पी होने के लिए बेसन के घोल में डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा एकदम एक चुटकी खाने का सोडा है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसन का घोल बना के लेंगे, बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है, और बेसन को छन्नी में से छान के लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो अभी हम लोग बेसन में सबसे पहले 2 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे, उससे क्या एक क्रिस्पी होता है जब भी हम लोग पकौड़े फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च एक ही लिए, आप तीखा खाना पसंद करते और ले सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इसे भी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, नमक स्वादानुसार, और 1 चम्मच तेल, ये भी क्रिस्पी होने में मदद करेगा पकोड़े का बैटर, और 1 चुटकी खाने का सोडा, और इसे घोल के अच्छी तरह से बैटर बनाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे, और एक गाढ़ा थिक बैटर बनाएंगे पकोड़े तलने के लिए। देखिए ये बैटर रेडी हो गया है, इस तरह से ठीक गाढ़ा बैटर बनाना है।
बैटर रेडी हो गया है। अभी हम लोग जो उबले हुए अंडे हैं उसे कट करके लेंगे, पीस में दो पीस करेंगे। हल्के हाथ से बीच में से कट करना है, दो पीस करके लेंगे अंडे के। अभी हम लोग इस पे लाल मिर्च पाउडर छिड़केंगे इस तरह से सभी पीस पे। और नमक इस तरह से नमक भी छिड़केंगे। देखिए अंडे भी रेडी है और बैटर भी रेडी है। अभी हम लोग इसे अंडे को बैटर में डिप करके अच्छी तरह से कोट करके लेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। अभी अंडों को हम लोग इस बैटर में डिप करके अच्छी तरह से कोट करेंगे। सभी जगह पे बैटर लगा के कोट करके लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने गैस पे कढ़ाई में ऑलरेडी तेल डाल के रखा है और वो अच्छी तरह गर्म हो गया है, चेक भी करते हैं हम लोग। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, थोड़ा बैटर डाल के देखा इसमें। अभी अंडा डालेंगे कोट किया हुआ बैटर से इस तरह से। दूसरा भी गया। अच्छी तरह से दोनों साइड से इस तरह से पलटी करके लेंगे। देखिए अभी नीचे की साइड से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अभी ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अभी इसे अच्छे से छान के तेल निचोड़ के निकालेंगे प्लेट में। यहाँ पे प्लेट में टिश्यू पेपर रख दिया है, टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। और इसी तरह से बाकी के अंडे भी हम लोग फ्राई करके लेंगे बेसन में कोट करके। देखिए कितने बढ़िया अंडा पकौड़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी आप देख सकते हैं। एक पीस कट करके दिखाते हैं आपको। देखिए कितना बढ़िया कोटिंग भी है, अंदर अंडा भी है। अब देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग है, खाने में कितना मज़ा आएगा। काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, अंडा तो पहले ही बॉईल किया हुआ है। और इसे आप हरी चटनी जो कि धनिया और पुदीने की चटनी होती है उसके साथ और सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक अलग ही मज़ा आएगा खाने का। तो जैसे कि आलू और पैट्स के पकोड़े तो जनरली सभी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से कभी अंडे के पकोड़े भी आप बना के देखिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहिए। चौथी रेसिपी है सीरीज़ की, वो भी कंटिन्यू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू टैंगी फूडी। ये अंडे का फंडा सीरीज़ में यह हमारी
चौथी और आखिरी रेसिपी है। पहले तीन रेसिपीज तो आपने देखी होगी, उतनी ही टेस्टी और इजी रेसिपी है ये भी, जिसका नाम है अंडा पराठा। तो अंडा पराठा बनाने के लिए हम लोग आटा गून के रखा है, जैसे नॉर्मल चपाती बनाते हैं हम लोग गेहूँ की, उसके लिए जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा गूंथ के रखा है। ये आधा प्याज है इस तरह से बारीक चॉप करके लिया है, और आधा टोमेटो बारीक चॉप करके लिया है, दो हरी मिर्च है वो भी बारीक चॉप करके लिए, दो अंडे, सूखा आटा बेलते वक्त ऊपर से लगाने के लिए लगेगा, और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बॉल में अंडे फोड़ के डालेंगे, दो अंडे फोड़ के डालेंगे बॉल में। अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ टोमेटो और हरी मिर्चें। हरी मिर्च आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और स्वादानुसार नमक, और इसे अच्छे से अंडे के साथ फेंट के लेंगे। अच्छी तरह से फेंटना है, सभी मिक्स हो जाने चाहिए अंडे के साथ। देखिए अंडा फेंट के रेडी रखा है, अब हम लोग इसे साइड में रख देंगे और पराठे की तैयारी करते हैं। देखिए आटे के पेड़े बना के लिए है दो, तो एक पहले सबसे बेलने के लिए लेते हैं। क्या अभी इस पे हम लोग थिक बनाए, आप देख सकते हैं इतना थिकनेस चाहिए। इसके ऊपर अभी तेल लगाएंगे, कुकिंग ऑयल है, और थोड़ा सा सूखा आटा, और सब जगह पे मलेंगे इस बेले हुए पराठे पे। अभी इस तरह से फोल्ड करेंगे, वापस एक फोल्ड लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हो गया है फोल्ड। इस तरह से त्रिकोण में फोल्ड करके सूखा आटा लगा के लिया है। तो वापस बेलेंगे इसे, इस तरह से ट्रायंगल शेप ही देना है हमें त्रिकोण का। देखिए पराठा बेल के रेडी है, अंडा भी फेंट के रेडी है, और यहाँ पे गैस पे तवा रख दिया है और गर्म भी हो गया है। तो अभी हम लोग इसमें पराठा डालेंगे सिकने के लिए। इस तरह से पराठा डाल दिया सेकने के लिए। देखिए हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसे फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करके दूसरी साइड से सेक के लेंगे, तो यहाँ पे से तेल लगाएंगे पराठे को। इसे फूलने लगा है पराठा। वापस फ्लिप कर दिया, वहाँ से सेकेंगे। इसे अच्छी तरह से फूलने लगा है पराठा। देखिए इस तरह से लेयर निकालना है पराठे का। देखिए इस तरह से, और ये लेयर निकाल के उसमें हम लोग जो फेटा हुआ अंडा है प्याज टोमेटो मिर्ची के साथ उसे डालेंगे इस तरह से।
अंदर डाल देना है पॉकेट में। देखिए इस तरह से सारा फटा हुआ अंडा डाल देंगे अंदर पॉकेट में। देखिए इस साइड से पूरी तरह से रेडी है। अभी उस साइड से हल्का सा इसके जैसा ही सिक्के लेंगे। देखिए ऑमलेट कुक हो गया है, पराठा भी सिक गया है अच्छी तरह से। देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है पराठा, अभी खाने के लिए रेडी हो गया है। गैस बंद कर देंगे हम लोग, अभी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं पराठा को। देखिए अंडा पराठा रेडी हो चुका है हमारा। देखिए सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है हम लोगों ने अंडा पराठा। अभी इसको पीस करते हैं, इसके दो पीस करते हैं। देखिए अंडा पराठा पूरी तरह से रेडी, आप देख सकते हैं। देखिए अंदर से जो ऑमलेट डाला था वो भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, ऊपर से और नीचे से पराठा भी अच्छी तरह से सिक गया है। देखिए कितना बढ़िया करारा अंडा पराठा खाने के लिए बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। अंदर में ऑमलेट भरा है टोमेटो पैच के साथ, ऊपर से पराठा भी अच्छी तरह से सीख गया है। इसे आप हरी चटनी जो होती है धनिया और पुदीने की और टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है ये भी। तो सारी रेसिपीज़ आपने देखी होगी, तो सभी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, सभी बढ़िया रेसिपीज़ है, खाने में भी टेस्टी है और बनाने में भी आसान है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंडे का फंडा सीरीज़ देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।